बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। आज मैं कुछ नाम अभिक्रियाओं को लेकर आपके साथ हूं। बच्चों ये जो नाम अभिक्रियाएं हैं, कुछ हमने 11th क्लास में पढ़ रखी हैं, कुछ हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वो मैं सभी आपके साथ बारी बारी से लेने वाला हूं, जो कि कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण रही हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बच्चों ऐसी ही कुछ अभिक्रियाओं के साथ मैं आपके साथ हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं अभिक्रियाओं को। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज मैं जो सबसे पहली नाम अभिक्रिया आपके साथ लेने जा रहा हूं, ठीक है, वो अभिक्रिया है मार्कोनी कॉफ, मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया। बच्चों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया में से एक है, मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया। मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया जो है वो मार्कोनी कॉफ रूल यानी मार्कोनी कॉफ नियम के आधार पर जानी जाती है। तो हम मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया की बात करें या मार्कोनी कॉफ का नियम बोले, ठीक है, मार्कोनी कॉफ का नियम। तो बच्चों जो मार्कोनी कॉफ का नियम है वही हमको मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया कंडक्ट करके देगा, है ना। तो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है। बच्चों पाठ्यपुस्तक के अनुसार यह अभिक्रिया बहुत ही साधारण है और सरल है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर इसको आप अच्छे से, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आज आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है। बच्चों यहां पे सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है, उस पर ध्यान दीजिए। ये जो मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया है ना, वो मार्कोनी कॉफ के नियम पर आधारित है। नियम क्या कहता है वो मैं उदाहरण में आपके साथ लूंगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए और समझिए। बच्चों अगर मैं आपको मार्कोनी कॉफ रूल्स या मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया समझाना चाह रहा हूं, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैं किसी एल्किल हैलाइड का निर्माण, है ना, एल्किल हैलाइड का निर्माण आपको समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। अभिक्रिया कैसे कंडक्ट होगी वो देखिए। तो बच्चों मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया जब आएगी तो अभिक्रिया को समझने के लिए हम यहां पर कुछ पद प्रयोग में लाएंगे। बच्चों सबसे पहला पद मैं आपको यहां पर अभिक्रिया में अभिकारक की जानकारी दूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर यहां पर कोई उत्प्रेरक इस्तेमाल किया गया है तो मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो उत्पादक बनेगा मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। बच्चों ये तीनों जानकारी हमारी अभिक्रिया में प्रयोगात्मक रूप से हमको समझना है, ठीक है। बच्चों ये एक महत्वपूर्ण तर्क है और एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको अभिकारक की जानकारी देने जा रहा हूं। बच्चों याद रखिए कि मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया में हम अभिकारक के तौर पर असंतृप्त असम्मित एल्कीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी हमको सबसे पहली चीज क्या चाहिए बेटा अभिकारक के तौर पर, असंतृप्त असम्मित एल्कीन। तो असंतृप्त असम्मित एल्कीन पर हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर हेलोजन अम्ल की, ठीक है, हेलोजन अम्ल की क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे या हेलोजन अम्ल की इस पर क्रिया होगी। तीसरी बात बच्चों, यहां पर जो उत्प्रेरक है आपको उस पर ध्यान देना है। इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो अनुपस्थित होगा या अनुपस्थित रहता है।
यानी कि मार्कोनिकोफ अभिक्रिया में हमको किसी भी प्रकार के अभिकारक सॉरी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैंने आपको जानकारी दी अभिकारक के संदर्भ में। क्या क्या बोला बेटा मैंने? बच्चों मैंने कहा कि असंतृप्त असंमित एल्कीन की आवश्यकता है, हमको हैलोजन अम्ल की आवश्यकता है, और हमको उत्प्रेरक को ध्यान में रखना है कि जो उत्प्रेरक है वो अनुपस्थित है। ठीक है, यहां पर उत्पादक की भी बात की है मैंने। बच्चों आपको याद रखना है कि जो मार्कोनिकोफ अभिक्रिया है ना, ये मार्कोनिकोफ अभिक्रिया क्या करती है, ये हेलो या सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लें एल्किल एल्किल हेलाइड का निर्माण करती है, एल्किल हेलाइड का निर्माण करती है। यानी हम यहां पर उत्पादक के रूप में क्या बनाते हैं बच्चों, हम एल्किल हेलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त में अगर हम बात कर लें कि जो मार्कोनिकोफ अभिक्रिया है ये क्या है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मार्कोनिकोफ अभिक्रिया है या जो मार्कोनिकोफ का नियम है, नियम क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, जो मार्कोनिकोफ अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड का निर्माण करती है। ठीक है, इसको प्रयोगात्मक रूप से समझने के लिए हमको जो टॉपिक लेने हैं, सबसे पहले अभिकारक। तो बच्चों आपको याद रखना कि हमको असंतृप्त असंमित एल्कीन की आवश्यकता होगी, और उसकी क्रिया हम किसके साथ कराने वाले, हैलोजन अम्ल के साथ, और यहां पर जो उत्प्रेरक है वो अनुपस्थित होगा। इस तरह से इनका जब हम प्रयोगात्मक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या बना लेंगे, एल्किल हैलाइड बना लेंगे। चलिए जल्दी से आपको रासायनिक समीकरण से रूबरू कराता हूं बच्चों, मार्कोनिकोफ नियम का रासायनिक समीकरण, मार्कोनिकोफ नियम। बच्चों नियम क्या कहता, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। जब किसी आ संतृप्त आ सम्मित एल्कीन पर हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया होती है तब हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग हेलोजन परमाणु सदैव एल्कीन के द्विबंद के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने आपके सामने अभी केवल डेफिनेशन रखा, अब मैं डेफिनेशन को एक इक्वेशन के द्वारा आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां पर असंमित असंतृप्त एल्कीन का इस्तेमाल करूं तो वो होता है CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। बच्चों हेलोजन अम्ल के तौर पर मैं यहां पे ले लेता हूं HBr को। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पर जो उत्प्रेरक है तो वो अनुपस्थित होगा, है ना, उत्प्रेरक अनुपस्थित होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बच्चों आगे समझिए और कॉन्सेंट्रेट करिए। बच्चों ये असंतृप्त असंमित एल्कीन है और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये द्विबंध वाले कार्बन है, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या एक है जबकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या दो है। बच्चों ये हेलोजन अम्ल है, ये Br जो है वो हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग है यानी ऋणात्मक परमाणु है, तो ये Br ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा
और यहां से एक द्विबंध टूट जाएगा बच्चों, इससे कार्बन की एक एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी। तो ये जो बीआर है ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार उस द्विबंध वाले उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यही हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम है। अभिक्रिया के अनुसार जो उत्पादक बनेगा वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखिए ठीक है, यहां लिखना था पर मैं इस तरह से इसको यहां मेंशन कर रहा हूं, आप समझ लेंगे। तो बच्चों इस तरह से ये हो जाएगा CH3CH और फिर बॉन्ड CH2 है ना, इससे एक एक बंध टूट गया। बच्चों HBr में जो Br है वो इस पर आकर संयोजित हो जाएगा और जो एक हाइड्रोजन का परमाणु होगा वो इस पर जुड़ेगा, तो ये जुड़कर 3 हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों ये मुख्य उत्पादक जो है वो लगभग 90% तक बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और ये कहलाएगा, इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों 2-bromo-propane, ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2-bromo-propane जो कि हमारा मुख्य उत्पादक कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये जो कंपाउंड है इसका नाम है प्रोपीन और ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो बच्चों फाइनली यह अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया के अतिरिक्त कुछ उत्पादक और भी प्राप्त होंगे और वो इस तरह से होंगे बच्चों, देखिए CH3CH और CH2 इस कंपाउंड पर Br आके जुड़ेगा जबकि जो H होगा वो इस पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा सह उत्पादक। और बच्चों ये अभिक्रिया में केवल 10% बनेगा, यानी कि यह अल्प मात्रा में बनेगा, है ना, यहां पर इसके बनने की मात्रा कैसी होगी, अल्प होगी। पर समझने वाली बात यह है बच्चों कि मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में चाहे वो हमारा मुख्य उत्पादक बने या वो सह उत्पादक बने, ठीक है, दोनों ही एल्किल हैलाइड बने हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना कि जो मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया है वो मुख्य उत्पादक बनाने के लिए अपने नियम का पालन करती है। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जब भी असंतृप्त असममित एल्कीन पर हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हेलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है यानी जो हेलोजन परमाणु है वो द्विबंध वाले उस कार्बन पर संयोजित होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है और जो उत्पादक बनेगा वो मुख्य उत्पादक बनाने के लिए अभिक्रिया जानी जाती है, ये कहलाती है बच्चों मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया, ठीक है। होप सो आपको मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया समझ में आई। बच्चों में इस अभिक्रिया के बाद आपको मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया का उल्टा यानी कि प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया भी बताता हूं, प्रति मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया। बच्चे ये जो प्रति मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में जानिए कि मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया का के सामने हमने लगा दिया प्रति, है ना, मतलब मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया का यहां पे जस्ट क्या है, उल्टा है, ठीक है, यहां पे जस्ट उसका उल्टा है। अब वो उल्टा कैसे है या क्या उसमें उल्टा हो रहा है वो चीज मैं आपको रिएक्शन में समझाऊंगा। तो रिएक्शन देखिए, मैं यहां पर वापस बच्चों वही ले रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये असंतृप्त असममित एल्कीन है, इस पर मैं फिर से हेलोजन अम्ल की क्रिया करा देता हूं HBr की। बच्चों सिर्फ समझने वाली बात यह है कि जब आपकी अभिक्रिया प्रति मार्कोनिकॉफ के रूप में जानी जाएगी तो यहां पर जो उत्प्रेरक होगा ना वो उपस्थित होगा, यानी इस बार हमको यहां पर उत्प्रेरक की अनिवार्यता होगी और जो उत्प्रेरक होगा वो कोई भी परोक्साइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो परोक्साइड है वो आप ले लीजिए, आप चाहे तो यहां पे ईथर परोक्साइड, एल्कोहल परोक्साइड, बेंजोइल परोक्साइड, किसी भी प्रकार के परोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों जब आप किसी परोक्साइड की उपस्थिति में हेलोजन अम्ल की क्रिया असंतृप्त असममित एल्कीन पर कराते हैं तो अब इस बार हेलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक सिरा है वो द्विबंध वाले उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा होगी और वो मुख्य उत्पादक बनाएगी, ठीक है। तो जस्ट आप देख रहे हैं यहां पर उल्टा हो गया, पहले वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा था, हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ता था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, प्रति मार्कोनिकॉफ में क्या हो रहा, हेलोजन उस कार्बन परमाणु पर जोड़ रहा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है, द्विबंध वाले, आपको यह बात ध्यान रखना है कि द्विबंध वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों जब यहां पर उत्पादक बनेगा तो यहां पर जो उत्पादक बनेगा वो पहले जैसा ही बनेगा, देखिए CH3CH2 और CH2 और इस पर आ जाएगा Br। बच्चों इस तरह से ये बन जाएगा 1-bromo
वन ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और बच्चों ये 90% तक बनेगा और ये हमारा कहलाएगा मुख्य उत्पादक, जबकि ये प्रति मार्कोनिकोप अभिक्रिया के रूप में जाना जा रहा है। बच्चों यहां पर सह उत्पादक भी प्राप्त होगा और वो होगा CH3 यहां पर आ जाएगा BR, इसको आप बोलेंगे 2 ब्रोमो, ये आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन के नाम से जाना जाएगा बच्चों, और ये आपका केवल 10% बनेगा जो कि सह उत्पादक होगा आपका। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आया इस पूरी अभिक्रिया में। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपके सामने रखी कि मार्कोनिकोफ और प्रति मार्कोनिकोफ का तुलनात्मक अध्ययन हमने किया, हमने दोनों के बारे में जाना कि दोनों में क्या एक बहुत बड़ा अंतर है। बच्चों जब इस अंतर को आप समझ गए हैं तो होप सो, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको यह अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसके बाद कुछ और अभिक्रियाओं के साथ आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।